आदिपुरुष फिल्म, उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो भी जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है। 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 SHO आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, सस्पेंड है, सुनने में आ रहा है। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने DGP को कह करके और 1 SHO को सस्पेंड किया है, 1 SHO और 1 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की भी यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीज़ें पद्मश्री, पद्म विभूषण, हाँ उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्मश्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे।